कहानी है गौतम की, उसी से सुनते हैं सीधे। गौतम, मेरा नाम है गौतम। मैंने आज से 3 साल पहले दिल्ली में अपना पहला कदम रखते ही तलाश शुरू की। तलाश एक 2 कमरे, एक किचन और एक बालकनी वाले मकान की, और तलाश एक आम, अंगूर, सेब, संतरे जैसे फलों की दुकान की। मैं फलों का बहुत ज़्यादा शौकीन जो था। मैंने आसपास के जितने भी ठेले थे उन पर जाके देखा, पर कोई मुझे पसंद नहीं आया। किसी पे गंदगी बहुत थी, किसी पे पूरे फल ही नहीं थे, पर कोई तो डेली ही नहीं खुलता था। 2-3 दिन हुए मैं सामने चाय की दुकान पर चाय की चुस्की का आनंद लिए जा रहा था, और अपनी ही निगाहों से आसपास के इलाके को भी स्कैन किए जा रहा था। तभी मेरी आंखों ने उस पर ढूंढा जिसकी मुझे पिछले 2 दिनों से तलाश थी। गली के दूसरी ओर शायद फलों की वह एक दुकान कुछ खास थी। उस पर एक बुजुर्ग अंकल बैठे थे जो अपने चेहरे पे मुस्कान, एक बदन पे एक कंबल लपेटे थे। मुझे लगा कि शायद मेरी तलाश आज रात मुकम्मल हो जाएगी। मैंने उस रात उस दुकान पे जाने का मन बना लिया। रात होती है, मैं दबे कदमों से दुकान की ओर जाता हूँ और वही सुबह वाली मुस्कान को अपने सामने पाता हूँ। लेकिन इस बार वह मुस्कान एक लड़की के चेहरे पे थी। कुछ देर के लिए तो मैं अवाक रह जाता हूँ, पर होता भी क्यों ना। पर मुस्कान ही कुछ ऐसी थी कोई भी अपना सब कुछ भूल कर उसमें खो सकता था हमेशा के लिए। जैसे तैसे मैं खुद को संभालता हूँ और आधा किलो सेब का रेट पूछता हूँ। बड़े की दुकान पर शायद कमी बैठा करती थी, तो पीछे बैठे अपने बाबा से वही सवाल दोहरा देती है। 65 रुपये, पीछे से जोर से आवाज़ आती है। बस सामने की ओर मुँह करके वह मुझे 60 रुपये ही बतलाती है। इस बीच में काउंटर पर रखे हुए स्ट्रॉबेरी के पैकेट को उठा लेता हूँ और उसका रेट पूछता हूँ। लड़की फिर से वही सवाल पीछे अपने बाबा से पूछती है। अब पीछे से फिर से आवाज़ आती है, 135 रुपये। पर फिर से वह मुझे 130 रुपये ही बतलाती है। इस बार मुझे भी थोड़ा आश्चर्य होता है कि इस कलयुग में कोई भरा 5-5 रुपये कभी खोता है। मैं उसे जेब से निकाल कर 200 रुपये देता हूँ और एक बदले में 10 रुपये वापस लेकर बदले में बोलता हूँ थैंक यू। और थैंक यू के बदले में मुझे मिलती है सामने से एक स्माइल। वह स्माइल ही कुछ ऐसी थी कि मैं अपना सब कुछ भूल चुका था। अब तो मैंने हर रोज का सिलसिला बना लिया था। मुझे भी समझ में नहीं आया कि लेन देन का कैसा ये बार्टर सिस्टम मैंने अपना लिया था। अब मैं हर शाम दुकान पर जाने का समय मिलाने लगा था और उस लड़की को भी फलों का रेट मुँह जुबान ही आने लगा था। आम का मौसम था, मैं हर रोज 45 रुपये के आधा किलो आम, 40 रुपये और एक थैंक यू मिल जाता था, और बदले में सामने से एक स्माइल भी पा जाता था। उस रात जब मैं दुकान पर पहुंचा तो मुझे लगा वहां पर कुछ तो गलत था। लड़की के चेहरे पर रहने वाली मुस्कान भी एक डर में तब्दील हो चुकी थी। मुझे लगा वहां मेरा मन कई आशंकाओं से भर चुका था। खैर, मैंने आधा किलो आम लिए और लड़की को जैसे ही 45 रुपये दिए, 40 रुपये दिए, लड़की ने नाम सहलाकर बचे हुए 5 रुपये मुझसे वापस मांग लिए। अब तो मेरा दिल ही टूट चुका था, जो कि लाजमी भी था। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने 5 रुपये मुझसे और मांगे हों। खैर, मैंने खुद को संभाला और जेब से निकाल कर उस 10 रुपये का नोट दिया। उसने बचा हुआ 5 रुपये का नोट मुझे लौटाया। मैं घर तो लौट रहा था, पर उस दिन घर से दुकान तक की दूरी जैसे चांद से पृथ्वी की दूरी महसूस हो रही थी। मैं जैसे ही घर पहुंचा, मेरे मन में कई आशंकाएं थी, कई सवाल थे। मैंने फैसला किया कि इन सवालों का पता कल लगाऊंगा, उनका जवाब कल ढूंढूंगा। अगले दिन मैं बहुत बेचैन था, ऑफिस से घर आया। जैसे ही दुकान की ओर गया, दुकान के मेन गेट पे लगा बंद बड़ा सा ताला मैंने पाया था। अब तो मैं और सहम चुका था, और बाजू की दुकान पे उस ताले का कारण पूछ चुका था। बाजू के दुकान के मालिक ने बताया कि उड़ीसा में जो एक दिन पहले तूफान आया है उसने इनका सब कुछ मिटाया है। इनके पास बचा है तो 100 रुपये, एक बेहतर कल की उम्मीद और ना कुछ कर पाने का पछतावा। वही तूफान दिल्ली में मेरी ज़िंदगी में भी आया था, और वही तबाही का भाई मंजर मेरी ज़िंदगी में लाया था। मेरे पास बचा था तो उससे कभी कुछ ना कह पाने का पछतावा, कभी एक बार उससे मिलने की उम्मीद, और एक 5 रुपये का नोट।